पुलिस में थे, पुलिस की नौकरी छोड़ के खाना खिलाने का शौक था। वाह, कोयले की आंच में धीरे धीरे गर्म हो रही है जी दोनों चीजें। इतनी सारी कचौरियाँ और आ गई है, मुंह में पानी आ गया। भाई साहब परेशान क्यों हो? क्योंकि भाई नाश्ते में पराठे भी खाए हैं, नान भी खाए हैं और डोसा भी कई बार खा लिया है, पर पोहा ये पहली बार नाश्ते में खाने वाले भाई। नमस्ते भैया जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। पोहा जी, इंदौर की आन बान शान, पर पहली बार इंदौर आए हैं, पोहा खाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो भैया नाश्ते में ही क्यों मिलता है पोहा? सुबह ये हल्का होता है सर। अच्छा। और इंदौर की पहचान ही पोहा है। इंदौर की पहचान ही पोहा है। और पोहे की पहचान हेड साहब कैसे बन गए? बस खिलाने और खाने का धोखे सर। अच्छा, क्या अच्छा खिला सकते? तो आप पोहे के हेड हो या वैसे वाले हेड हो? पोहे के जिसका मान लीजिए आप सर। अच्छा, आपका नाम कैसे पड़ा है साहब? पुलिस में थे, पुलिस की नौकरी छोड़ के खाना खिलाने का शौक था। वाह, बात ये है। एक बार बताओगे यहाँ पे क्या क्या है? ये पोहा, ये सादा पोहा है। सादा पोहा जी। ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी है जी, ड्राई फ्रूट है। ये खमंड है, खमंड। और ये उसल पोहा है, ये पोहे के ऊपर डाल के दिया। वाह जी वाह, अरे वाह, पनीर है। वाह जी वाह। और इसके ऊपर दही डाल के दिया। ये थोड़ा मसालेदार रहता होगा, ये प्लेन रहता होगा। क्या कौन सा वाला खाएगा? मैं प्लेन वाला खाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट ऑथेंटिक वन। ऑथेंटिक टेस्ट करेगा भाई साहब। आप कौन सा खाने वाले हो? मसल पोहा के ऑप्शन है, आप मसल पोहा खाएंगे। अच्छा, बताइएगा जरा जी, उसमें डालूंगा। बताइए जरा, ये आ गया पोहा? पोहा आ गया, ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट, ठीक है। मोटी सेव, ठीक है। प्याज जी, नुक्ती, ठीक है। नींबू जी, और ये जीरा वन, इंदौर जीरा वन, इंदौरी मसाला। इंदौरी मसाला, क्या बात है, लग गया। लो भाई प्लेन वाले, आप उसल, एक उसल पोहा। ये आ गया कटोरी में, क्योंकि इसमें ग्रेवी आनी है जी। अब आएगी उसमें उसल की ग्रेवी जी। ये छोले सर, छोले, ये एक तरीके विद पनीर का पीस, क्या बात है, लग गया भैया जी। और सेम सेव, मोटी सेव, ठीक है। प्याज जी, और इस पे दही, इस पे आएगा जी दही। वाह जी वाह, लो जी लग गया ये भी हमारा उसल पोहा। तो भाई साहब आप प्लेन टेस्ट करके बताओ पहले। प्लेन का टेस्ट करना एक तरीका है भाई, मैंने देखा दो तीन लोगों को यहाँ पे, लोकलाइट्स को, ठीक है, खा रहे थे। पहले इस पे निचोड़ना है जी नींबू। ओए होए होए, मुंह में पानी आ गया। ये देखो भाई, नींबू निचोड़ के फिर बारी, नींबू निचोड़म ठंड पा। हाँ, फिर इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। और क्या खुशबू आ रही है भाई, मजेदार। कलर चेक करो, कलर चेक करो। वाह जी वाह, टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो भाई हमारा पोहा भी लग चुका है जी, देखो दही डाला से कम नहीं। ये दही आ गया जी, बीच में परसन है, बीच में चने है, और सबसे बड़ी बात है कि पनीर का पीस, अभी पनीर का पीस भी है। वाइट बना लिया मैंने, कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई, गरम बहुत ज़्यादा करते है टेस्ट। पकड़ो भाई, दे दो, मैंने वो वाला खाया था, ये ट्राई करो, ये मज़ेदार है। वो तो है ही ज़बरदस्त है, ये नेक्स्ट लेवल है। क्या बोलते हो? एक नंबर। अगर जगह मशहूर है ना, किसी वजह से दोनों चीज़ें खा लिया, वर्थ इट है, वर्थ इट है। हेड साहब से पूछते हैं एड्रेस क्या है। भैया एड्रेस क्या है जहाँ पे खाने आना है? सर ओल्ड प्लाजा नोनी टावर। अच्छा, टाइमिंग? और टाइमिंग सुबह 7 से 11। 7 से 11। और छुट्टी रहती है कोई भी? नहीं, कोई छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है भाई। 7 से 11 आओ, पोहा टेस्ट करो, ब्रेकफास्ट लो, और पोहा एंजॉय करते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई हम सिंधी कॉलोनी में आ गए इंदौर में, सामने पड़ा है जी पकवान, और यहाँ पे है जी दाल, ये दूसरी दाल है, और ये एक और दाल है। तो इन दोनों को मिक्स करके बनता है जी दाल पकवान। अभी आपको मेकिंग दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और अंगीठी पे बन रहे हैं, कोयले की आंच में धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं जी दोनों चीज़ें। भाई इंदौर
का मशहूर दाल पकवान खाने आ गया। सबसे पहले पास ले आओ, बताते हैं आपको ये जो चीज़ है इसको पकवान कहते हैं। जो मट्टी है, मट्टी का ही लाइटर वर्जन रहता है, मट्टी में जीरा वीरा डालते हैं, पर ये बिल्कुल प्लेन रहता है, लाइट रहता है। उसके ऊपर मूंग की दाल डलती है बीच में, जो ये काली वाली है छिलके वाली मूंग दाल है, येलो वाली जो है वो प्लेन मूंग दाल है। उसके ऊपर मसाले डाले गए हैं, जीरा मसाला है, काली मिर्च मसाला है, हरी मिर्च का पेस्ट डाला हुआ है, प्याज डाले हैं, और ये मिर्ची फ्राई मिर्ची है जिसके ऊपर नमक और भी चीज़ें डाल के मसाले डाल के बनाया जाता है। अब इसको अच्छे से तोड़ते हैं, पहले तो ये बड़ा खस्ता सा लग रहा है, इसको ब्रेक करते हैं, ट्राई करता हूँ कैसा स्वाद है। दालें एकदम लाइट हैं, बिल्कुल लाइट दालें हैं, और ये जो पकवान है ना वो ज़्यादा खस्ता है। इंदौर की शान जीरा वन मसाला। आ गया जी नींबू, इसको हम करेंगे बीच में मिक्स करो। ये बन गई जी हमारी बाइट। क्या बात है यार, मजा एकदम लाइट स्नैक है ये नाश्ता ना, दो तीन बारी मैं खा सकता हूँ। ऑब्वियसली ये दो एक दिन में, मॉर्निंग में मैं एक साथ ही दो बार खा सकता हूँ। भाई ये लेते हैं जलेबी थोड़ी सी, सुबह सुबह जलेबी, भाई सुबह सुबह जलेबी खा रहे हैं। कॉम्बो एकदम जबरदस्त है, बढ़िया है, खट्टे और मीठे का मज़ा आ गया खा के। हम अपना खाना इंजॉय करते हैं, इंदौर में आए तो यहाँ जरूर खाइएगा। तो भाई साहब इन दोनों को नाश्ता करने देते हैं और आपसे अगली लोकेशन पे मिलते हैं। आगे चौराहे से लेफ्ट, ये नहीं अगला चौराहा सीधा, अभी रुक जाओ, रुको दादा पुलिस। दोस्तों इंदौर के कोठारी मार्केट में हम यहाँ पे हम आए हैं जी अग्रवाल कचौरी में, जहाँ पे बहुत सारे प्रकार की कचौरी मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखो भाई, प्याज कचौरी, हींग कचौरी, बटला कचौरी, आलू कचौरी, मूंग कचौरी, लहसुन कचौरी, छोला टिकिया, हॉट डॉग, मूंग भजिया, समोसा, और यहाँ पे है सारी चीज़ें। ये देखो भाई, ये बर्गर है यहाँ पे, ये कचौरियाँ हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं उन चीज़ों के। यहाँ पे समोसा है जी, निशान लगा लगा के सबका नाम रख देते हैं। अच्छा, लहसुन की हो गई, चार डॉट की, प्याज की हो गई, एक डॉट की गुटकी की हो गई, प्लेन आलू की हो गई। अच्छा, ये निशान लगा के रखे, और ये समोसा है, ये क्या चीज़ है भैया? ये मूंग के भजिए। मूंग के भजिए, तो यहाँ की मशहूर जो है वो कचौरी ही है खाली? कचौरी भी है, जो खाओ यहाँ का सब बढ़िया है। ये क्या चीज़ है भैया? और ये इसके अंदर छोले, इसको कंची लाकर दिखाएंगे हम एक बार। भाई ये चेक कर लीजिए, ये है यहाँ के बढ़िया से छोले। तो सबसे फेमस कचौरी कौन सी है? एक बताइए जो हम स्वाद करना चाहेंगे। देखो भाई, इतनी सारी कचौरियाँ और आ गई हैं, और जिस पे दो निशान लगे हैं, ये जी दाल की, और जिसपे कोई निशान नहीं लगा वो है जी भुट्टे की। और ये सारी यहाँ पे मिलती रहेंगी, पहले तो इधर से ही जा रही है भाई, इधर से सेल आउट हो रही है। देखो भाई क्या रश पड़ा हुआ है यहाँ पे, रश कितना है, अंदर पूरी फुल है, हाउसफुल है भाई शॉप। अग्रवाल कचौरी, ये है जी कोठारी रोड पे इंदौर में। तो भाई साहब भुट्टा कचौरी फेसबुक टेस्टिंग हो गई, अब यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, भैया कैसी है भाई? डिलीशियस। हाँ जी, प्यार बढ़ता रहे पकड़। हाँ भाई, मैं भी खा ही लेता हूँ, थोड़ी सी बचाई है मेरे लिए भैया ने, ले लेंगे, थोड़ी आधी होती है। भुट्टे की हल्की सी मिठास है और मसाला, मजेदार। इसको रख, दूसरी बार टेस्ट कर। बढ़िया ना, दोनों अच्छे हैं, दोनों बढ़िया लगे, भुट्टे वाले ज़्यादा अच्छे लगे। भैया जी एड्रेस बता दीजिए। ये कोठारी मार्केट है सर, महाराजा टाकी वाली गली, अग्रवाल कचौरी का नाम याद है जी। ये रश चेक कर लो और ये नाम याद कर लो, कभी भी इंदौर आ रहे हो अग्रवाल कचौरी आना, इनकी भुट्टा कचौरी स्वाद करके बताना कैसी लगी।